पीएमयू कोविड-19 हॉस्पिटल में दिनांक 22 सितंबर 2020 को कोतवाली संभल निवासी 103 वर्षीय पवन कुमार मिश्रा को बुखार एवं सांस की समस्या के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती कराया गया था। आरटीपीसीआर से जांच करने पर उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तब उनका एसपीओ लेवल 86 और हीमोग्लोबिन 6.4 था। प्लेटलेट्स भी काफी कम थी तथा मरीज को 2 यूनिट ब्लड के और प्लेटलेट्स के जंबो पैक भी चढ़ाए गए थे। टीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में बेहतर उपचार, देखरेख और दवाइयों के परिणाम स्वरूप मरीज को 1 अक्टूबर को एचडीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मरीज की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा था तथा मरीज का ऑक्सीजन लेवल 98% पर स्थिर था और 3 अक्टूबर को ऑक्सीजन सपोर्ट भी बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टीएमयू कोविड अस्पताल से आज मरीज को छुट्टी दी गई है। टीएमयू यूनिवर्सिटी के माननीय कुलाधिपति सुरेश जैन तथा ग्रुप वाइज चेयरमैन मनीष जैन ने टीएमयू हॉस्पिटल में दिन रात सेवा भाव से सेवाएं देने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ को बधाई दी, जिनके अथक प्रयासों एवं बेहतर उपचार के कारण आज 103 वर्षीय मरीज पवन कुमार मिश्रा कोरोना को मात देकर तथा स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं। टीएमयू हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीज के हौसले को सलाम करते हुए अस्पताल से विदा किया। बाबा आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन कुमार कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? बदायूं के। आप कब पॉजिटिव आए थे? पॉजिटिव, आप कोरोना पॉजिटिव कब आए थे आप? 22 को। तो 22 को ही आप पीएमयू हॉस्पिटल के लिए आ गए। तो बाकी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया हैं आप, स्वस्थ एकदम? बहुत एकदम स्वस्थ। क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स के बारे में? स्टाफ को ही कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं और कलम सबको मैं कलम कर रहा हूँ। आपका सब परिवार मुझे बहुत आराम मिला, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर टाइम से आते थे देखने, सब कुछ सफाई कर्मी हर चीज़ सब कुछ सही था, सब सही थे। कई बच्चों ने मेरे फोटो खींचा है। अच्छा, कई डॉक्टरों ने भी नर्स बनाया जी, मेरा एड्रेस भी दिया है। अच्छा, मुझे बड़ा प्रसन्नता है जी जी, बड़ी खुशी है। ठीक है बाबा, आप एकदम ऐसे ही स्वस्थ रहिए जी। बाबा मैं कह रहा हूँ शरीर को इसी प्रकार से आप भेजें। बेटे ऐसा है, मैं चलूँ कहूँगा कि यहाँ का प्रशासन जो आपका यहाँ का रहा वो सुरक्ष हो, सर्वश्रेष्ठ रहा जी, शांतिप्रिय रहा। शायद ही किसी को कोई शिकायत हो कभी जीवन में जी जी, मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ। और सभी को मैं समझता हूँ सभी लोग यहाँ तक खुश हो गए। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे बाबा।